आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने CMF फोन वन एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप जो है कॉल फॉरवर्डिंग को स्टॉप कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मोबाइल फोन का डायल पैड ओपन करना है। डायल पैड में आपको सबसे ऊपर 3 डॉट का ये ऑप्शन टैप करना है। अब देखिए इस पेज में आपको सेटिंग पे टैप करना है। अब इस वाले पेज में आपको नीचे कॉलिंग अकाउंट का ये ऑप्शन टैप करना है। अब इस वाले पेज में आपको अपने फोन की सिम सेलेक्ट करनी है। अब इस वाले पेज में आपको नीचे कॉल फॉरवर्डिंग का ये ऑप्शन टैप करना है, ठीक है। अब आपका पेज और रीडिंग सेटिंग होगा, आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब आपको इस पेज में सबसे ऊपर ये ऑलवेज फॉरवर्ड का ये ऑप्शन टैप करना है। देखिए इसे टैप करने से पहले मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखिए ऑलवेज फॉरवर्ड के नीचे ये जो नंबर दिखाई दे रहा है ना, इस नंबर को आपको ध्यान में रखना है। इस नंबर के बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, ठीक है। तो अब आपको इसे ऑलवेज फॉरवर्ड पर टैप करना है। अब आपका पेज आएगा ना, इसमें आपको नीचे ऑफ का बटन है, ऑफ पर टैप करना है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे पेज जो अपडेट होने लगेगा, आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। देखिए हमारा पेज जो अपडेट हो गया और सबसे ऊपर ये ऑलवेज फॉरवर्ड के नीचे ऑफ लिखा हुआ रहा है। पहले यहाँ पे एक नंबर दिखाई दे रहा था ना, अब यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ रहा है। तो इस तरीके से जो है हमारे फोन की कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है। अब देखिए इस सेटिंग के बारे में आपको डिटेल में यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, कॉल फॉरवर्डिंग को स्टॉप करने से पहले ये सेटिंग कैसे काम करती थी कि कोई भी पर्सन जो है ना, कोई भी पर्सन मेरे मोबाइल नंबर पे कॉल करता था तो वो जो कॉल होती थी ना, वो मेरे मोबाइल नंबर पे नहीं आती थी, वो कॉल उस वाले नंबर पे चली जाती थी जो नंबर यहाँ पे पहले दिखाई दे रहा था, ठीक है। अब हमने क्या किया है, इस कॉल फॉरवर्डिंग को हमने स्टॉप कर दिया है। अब ये स्टॉप करने के बाद कैसे काम करेगी, अब कोई भी पर्सन जो है, कोई भी पर्सन मेरे मोबाइल नंबर पे कॉल करेगा तो वो जो कॉल होगी सीधा मेरे मोबाइल नंबर पे आएगी, अब वो कॉल उस वाले नंबर पे नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग जो है स्टॉप करने के बाद ऐसे काम करती है। देखिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फोन में कॉल फॉरवर्डिंग लग रखी है ना, तो इस तरीके से आप उसे चेक कर सकते हैं और इस तरीके से आप उसे कॉल फॉरवर्डिंग को स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर कोई भी कॉल नहीं आएगा, ठीक है ना।